हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टर मास्टर एसकेपी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डाक विभाग की स्कीम BYOD, अर्थात ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। दोस्तों, डाक विभाग के पत्र 7/9/2022 के मेल ऑपरेशन के तहत ब्रिंग योर ऑन डिवाइस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब GDS पर पोस्टमैन को PMA व IPP के कार्य होते अपना मोबाइल यूज करने पर 350 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिसमें 200 रुपये सेलफोन का किराया और 150 रुपये आपको सिम के रिचार्ज के दिए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि आपको सभी वीडियो अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, यह वीडियो लागू हो गई है, लेकिन यह पैसा GDS व पोस्टमैन को कैसे मिलेगा वह इसके लिए GDS व पोस्टमैन को क्या क्या करना पड़ेगा तथा इसमें पोस्टमास्टर का क्या रोल रहेगा इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, BYOD योजना जो है वो आपको पोस्टमैन और GDS जो कि डिलीवरी स्टाफ में डिपार्टमेंटल ऑफिस और BO में कार्यरत है उसी के लिए लागू है। इसमें दोस्तों आपका जो डायरेक्टर और IPP से दिया स्मार्टफोन दिया है वो लागू नहीं है। प्रेजेंटली द PMA इज ओनली वर्किंग इन एंड्रॉयड। जो PMA है वो अभी केवल एंड्रॉयड डिवाइस में ही कार्य कर रहा है। देयर फॉर द डिलीवरी स्टाफ मस्ट हैव एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो जो डिलीवरी स्टाफ है उसके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। मिनिमम कॉन्फिग्रेशन जो है वो IPP के द्वारा इंटीमेटेड की जाएगी। ओनली द डिवाइस मीटिंग द मिनिमम कॉन्फिग्रेशन शैल बी अलाउड। जो मिनिमम कॉन्फिग्रेशन है वो जो IPP के द्वारा निर्धारित की जाएगी वही सिर्फ BYOD योजना के लिए लागू होगा। विच में बी चेंज्ड बाई एज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। जो कि डिपार्टमेंट और IPP द्वारा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के दौरान चेंज भी की जा सकती है। द स्मार्टफोन मस्ट बी इन ए गुड कंडीशन विदाउट एनी ऑपरेशनल इश्यू इन टच स्क्रीन रियर कैमरा ETC। तो जो आपका स्मार्टफोन है उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ना ही टच स्क्रीन में, रियर कैमरा या आदि इस प्रकार कोई आपका इश्यू नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी मोर देन 3 years old और 3 साल से ज़्यादा पुराना भी आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। द डिवाइस शुड नॉट बी रूटेड वेदर एनरोल्ड फॉर BYOD स्कीम। दोस्तों, जो आपका मोबाइल BYOD स्कीम के लिए एनरोल हो गया है उसमें कोई रूटेड नहीं होना चाहिए, रूट नहीं करना चाहिए। लिस्ट ऑफ मॉडल प्रेस्क्राइब्ड बाय IPP फॉर BYOD स्कीम आर एनक्लोज एट एन। जो आपकी BYOD स्कीम है उसके लिए जो मॉडल फोन के मॉडल्स है वो एनेक्जर ए में उपलब्ध है, एनेक्जर में उपलब्ध है। दिस लिस्ट में बी अपडेटेड बाई IPP टीम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू एनरोल द लेटेस्ट मॉडल। जो कि IPP टीम द्वारा समय समय पर लेटेस्ट मॉडल के द्वारा अपडेट किया जाएगी। द नेसेसरी डिटेल ऑफ स्मार्टफोन सच एज कॉपी ऑफ इनवॉइस, मेक मॉडल, IMEI नंबर, परचेज डेट सेल हैव टू बी रिकॉर्डेड एट द ऑफिस लेवल फॉर द ऑल द BYOD स्कीम। वो BYOD डिवाइस जो आपकी बी आपकी डिवाइस है जो कि BYOD के लिए आपके रजिस्टर्ड होगी उसका आपको इनवॉइस, मेक मॉडल, IMEI नंबर, परचेज डेट वो आपको आपके ऑफिस में सुरक्षित रखनी चाहिए। द टोटल इंसेंटिव टू बी गिवन टू द डिलीवरी स्टाफ सेल कंप्राइज ए फिक्स्ड इंसेंटिव ₹200 पर स्मार्टफोन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मिनिमम 90% ऑफ आर्टिकल्स बीइंग रिसीव्ड फॉर डिलीवरी सेल हैव टू बी प्रोसेस्ड थ्रू PMA। जो टोटल इंसेंटिव होगा दोस्तों जो डिलीवरी स्टाफ को मिलेगा वो फिक्स होगा जो कि ₹200 होगा। ये दोस्तों सब्जेक्ट ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके लिए दोस्तों जो आपका डिलीवरी है जो आपकी मेल है वो कम से कम 90% आपका 90% PMA के द्वारा डिलीवर्ड करना होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सिम एंड डाटा वॉइस SMS प्लान्स विल हैव टू बी परचेज्ड बाय द डिलीवरी स्टाफ कंसीडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन द बीट एरिया। तो दोस्तों जो आपका सिम है डाटा वॉइस SMS प्लान्स है जो आप परचेज करोगे वो आपके जो बीट है उसके हिसाब से आपको परचेज करना है। उसकी क्वालिटी जो आपके बीट में है वो अच्छी होनी चाहिए तभी आप उसी हिसाब से आप अपना जो सिम है वो परचेज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका विच विल बी रिफंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन मंथली बेसिस। दोस्तों इसका रिफंड आपको डिपार्टमेंट द्वारा मंथली बेस पर किया जाएगा। द रिफंड अमाउंट ऑफ सिम डाटा SMS चार्ज हाउएवर बी कैप्ट टू ₹150
पर मंथ। इसका दोस्तों चार्ज ₹150 पर मंथ आपको दिया जाएगा। नो एडिशनल अलाउंस फॉर सिम वॉइस डाटा SMS विल बी गिवन बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा कोई आपको अलग से भत्ता नहीं दिया जाएगा, कोई अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो स्पेशल एडवांस ऑफ एनी काइंड शैल बी गिवन टू एम्प्लॉय फॉर परचेज ऑफ मोबाइल फोन फॉर पर्पज ऑफ BYOD। BYOD योजना के लिए विभाग द्वारा आपको कोई अलग से स्पेशल एडवांस नहीं दिया जाएगा। द पेमेंट ऑफ BYOD अलाउंस शैल बी मेड ऑन मंथली बेसिस इन द POSB/IPB सैलरी अकाउंट ऑफ द डिलीवरी। जो BYOD अलाउंस है वो दोस्तों आपको मंथली बेसिस पर आपके सैलरी अकाउंट या POSB या IPB अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ BYOD रिमिशन इन स्पेशल केसेस। दोस्तों स्पेशल केसेस में आपको जो भत्ता मिलेगा वो किस प्रकार होगा। इफ एन एम्प्लॉय रजिस्टर्ड फॉर BYOD स्कीम, एक एम्प्लॉय है जो BYOD स्कीम के लिए रजिस्टर है, डू नॉट यूज द मोबाइल फोन ड्यू टू अब्सेंट, अब्सेंट होने के कारण मोबाइल फोन का यूज नहीं कर पाता है, मोबाइल फोन सर्विस रिपेयर ETC, द रिमिशन फॉर BYOD स्कीम शैल बी गिवन एज पर द फॉर्म। तो उसको BYOD स्कीम के तहत जो रिमिशन होगा वो इस प्रकार दिया जाएगा। 200 मल्टीपल नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर विच मोबाइल फोन वाज यूज ओब्लिक नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। सिमिलरली मोबाइल टैरिफ रिमिशन शैल बी कैलकुलेटेड एज 150 और प्रेजेंट टैरिफ अलाउंस रेट मल्टीपल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ विच मोबाइल फोन वाज यूज नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। However, in the following exceptional cases, full remission for a particular month is proposed. Exceptional cases में जो remission होगा वो full दिया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। If an employee delivers article using PMA for at least once a month, provided the employee processed minimum 90% article and processed on leave duly sanctioned by the competent authority. एक एम्प्लॉय जो PMA का यूज कर रहा है और मंथ में 90% आर्टिकल डिलीवर कर रहा है PMA से, और उसको लेकिन उसको कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा सेंक्शन छुट्टी के लिए सेंक्शन किया गया, तो उसको फुल चार्जेज मिलेगा। इफ़ द डिलीवरी थ्रू PMA कुल नॉट डन ड्यू टू टेक्निकल इश्यू इन मोबाइल फोन एंड इज रिपेयर्ड बाय द डिलीवरी स्टाफ विद इन 2 वर्किंग डेज। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण PMA से डाक वितरित नहीं की जा सकी, और लेकिन डिलीवरी स्टाफ द्वारा उसको 2 दिन में ही सही करा लिया गया। तो इसके लिए एक कॉपी आपको जो सर्विस रिपेयर की है वो प्रोड्यूस करनी होगी, ठीक है, तब आपको इसका 100% रिमबर्समेंट मिल जाएगा। थर्ड है दोस्तों, इफ़ ए मोबाइल फोन ऑफ आउटसोर्स स्टाफ इज यूज फॉर डिलीवरी थ्रू PMA इन द एब्सेंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टाफ, आउटसोर्स स्टाफ में भी रिमेंट फॉर दैट पीरियड इन द सिमिलर मैनर एज मेंशन इन द पॉइंट 1 अबव। तो दोस्तों यदि एक जो डिपार्टमेंटल स्टाफ है वो छुट्टी पर है, उसके स्थान पर आउटसोर्स स्टाफ लगाया गया है और वो सिमिलर में कर रहा है, 90% आर्टिकल डिलीवर कर रहा है PMA से, तो उसको भी फुल जो रिमेंशन है वो मिलेगा। उसके बाद है जो क्राइटेरियन ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग डेज फॉर विच मोबाइल फोन वॉज यूज इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मिनिमम 90% ऑफ आर्टिकल्स बींग रिसीव्ड फॉर डिलीवरी शैल हैव टू बी प्रोसेस्ड थ्रू PMA। तो क्राइटेरिया कैलकुलेटिंग वर्किंग डेज का 90% ऑफ आर्टिकल बींग रिसीव्ड ऑफ डिलीवरी, तो इसका क्राइटेरिया होगा दोस्तों एज द मोबाइल फोन एनरोल्ड इन BYOD स्कीम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द IPP रिलेटेड एक्टिविटीज, ए मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मे बी इंस्टॉल इन द मोबाइल फोन्स बाय द कंसर्न्ड IPP टीम इफ रिक्वायर्ड। दोस्तों मोबाइल फोन है जो BYOD योजना के लिए आपका एनरोल किया गया है, उसका उपयोग IPP के लिए IPP रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों मोबाइल में MDM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा जो कि IPP टीम करेगी, ठीक है। डिटेल ऑल द मोबाइल फोन्स एनरोल्ड अंडर BYOD स्कीम मे बी शेयर्ड बाई द सर्किल ऑन फॉर्नेटली बेसिस टू मेल ऑपरेशन डिविजन इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर ए। जो डिटेल्स है मोबाइल फोन्स की जो BYOD अंडर स्कीम के तहत लागू किए जाएंगे उसकी सूचना एनेक्सर ए के तहत आपकी सर्किल को दी जाएगी। अदर पेरिफेरल्स सच एज बायोमेट्रिक डिवाइस पेमेंट डिवाइस कनेक्टिक केबल ETC इफ रिक्वायर्ड फॉर बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज शैल बी प्रोवाइडेड बाई IPP टू द डिलीवरी स्टाफ।
दोस्तों आईपीपी के लिए जो आप कनेक्टिंग केबल होगी, बायोमेट्रिक डिवाइस होगी, पेमेंट डिवाइस होगी, यदि इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसकी उपलब्धता आपको आईपीपी उपलब्ध कराएगा। डिटेल ऑफ रिम्बर्समेंट अंडर बीवाईओडी स्कीम फॉर ईच मंथ मे बी कन्वेड बाय द पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफिस टू द कंसर्न डिवीजन ऑफिस बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ सो दैट द रिम्बर्समेंट शैल बी मेड बिफोर 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों बीवाईओडी स्कीम के तहत जो कर्मचारी अनरोल हो गए उनको उनकी जो डिटेल है अगले महीने के 7 तारीख तक डिविजनल ऑफिस को देनी होगी ताकि आपके 15 तारीख तक आपका रिम्बर्समेंट आ जाए। द रिम्बर्समेंट अमाउंट वी बुक्ड अंडर पोस्ट ऑफिस नॉन प्लान हेड ऑफ अकाउंट्स। द रिम्बर्समेंट है नॉन प्लान ओई में पोस्ट ऑफिस में के ओई खाते में चार्ज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड लाइक ज़रूर एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।